राधा रानी के पास आई है, इतनी तेज तेज रो रही है ये, भाई कुछ मत पूछो। बड़ा हो या छोटा हो, डायरेक्ट यही बोलती है, रुपया तो दे जा। किशोरी नाम है ना, ये बन गया घर हमारे हस्बैंड जी का। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये है सामने आप लोग देख रहे हैं, ये लीला करते करते राधा रानी को यहाँ पे अचानक से प्यास लगी। इन भैया के देखो हाथ दोनों खराब है, और ये क्या लग रहे हैं, राम राम। दर्शन तो करें यहाँ पहले। श्रृंगार ले लिया हमने राधा रानी के लिए। आ गई हूँ मैं आपसे कन्हैया जी की शिकायत करने, बहुत नटखट हो रहे हैं, सुनते नहीं है मेरी एक भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों बनी रही है कंटिन्यू आज के मेरे ब्लॉग में, और मैं जा रही हूँ आज बरसाना। आज आप लोगों को घर बैठे राधा रानी के दर्शन कराने वाली हूँ मैं, तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग को देखना जरूर। तो चलिए चलते हैं। ये कहने मेरे हस्बैंड के घर बैठे दर्शन कैसे कराओगे, अब इनसे ये पूछो। आप लोग घर पे बैठ के मेरी वीडियो देखोगे, मैं जो वीडियो डालूंगी तो घर बैठे दर्शन नहीं होंगे। लाइव चलाऊंगी, देख ली देखो मावेश। एवरीवन वही गर्मी ने लगी लिफ्ट में, चल रही है इसी। चलो अब हम चलते हैं अपनी अपाचे से, इसको टीएमआई बात जाएंगे हम। अब हम चल दिए हैं बरसाने के लिए। अब हम आ चुके हैं मेन रोड पर, और ये रोड दिल्ली के लिए गया है सीधा। अगर आप लोग इटावा, आगरा, मथुरा, वृंदावन कहीं से भी आते हो तो दिल्ली वाला सीधा रोड पकड़ लीजिए, और आगे चल के आपको पड़ेगा छाता। छाता के ही नीचे जो पुल है उसी के नीचे उतर कर डायरेक्ट रोड गया है ये बरसाने के लिए। ये देखो नंदगांव बरसाना लिखा भी है इस पर। तो आप लोगों को इस रोड पर सीधा जाना है, इधर उधर नहीं मुड़ना है, सीधा जाना है। अगर आप लोग सीधा आओगे तो एक कीर्ति मंदिर है बरसाने में, वहाँ पर निकलोगे आकर। ये देखो मैं आ भी गई उसी मंदिर के पास, जो मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर सीधे रोड पर आओगे तो इस मंदिर के पास निकलोगे, कीर्ति मंदिर। मैं बाहर से ही दिखा दे रही हूँ, अभी मैं अंदर नहीं गई हूँ। तो चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं, एंट्री कराते हैं, फिर अगर वीडियो बनाने दी अंदर की तो अंदर की झांकी दिखाएंगे, वरना हम बाहर से ही आप लोगों को दिखा देंगे। एंट्री हमारी हो चुकी थी और हम दर्शन के लिए गए थे मंदिर में अंदर। सबसे पहले हमने सोचा दर्शन करें फिर आप लोगों को दिखाएं, तो अंदर की वीडियो नहीं बनाने दी, तो हमने नहीं बनाई, क्योंकि रूल को तोड़ना भी अच्छी बात नहीं है ना। ये देखो प्रेम मंदिर जैसी सेम यहाँ पर झांकी है, और सेम टू सेम प्रेम मंदिर जैसा ही ये बना है। उसका कलर है वाइट और इसका गेरुआ कलर है, और ये सेम वैसा ही है जैसा प्रेम मंदिर है, और यहाँ की झांकियाँ भी सेम वैसी ही हैं। ये देखो राधा कृष्ण बैठे हैं नाव में, और इनकी नाव पानी में चल रही है, ये इसके नाव के नीचे पानी भरा है, आप लोगों को इधर उधर जाती नज़र आ रही होगी। अब हम चलते हैं राधा रानी के महल के लिए। देखो वो सामने दिख रहा है राधा रानी का महल। कीर्ति मंदिर से थोड़ा आगे चल के डेढ़े हाथ सीधे हाथ पर आप लोगों को मुड़ जाना है, वहीं पर है राधा रानी का महल। ये देखो ये रास्ता गया है ना, ये नदी है उसके ऊपर से ये रास्ता निकला है राधा रानी के महल के लिए। ये देखो सामने ये वाला गेट है। तो हम जाएंगे परिक्रमा लगाने, तो हम परिक्रमा लगाने ही आए हैं, और आज धनतेरस है, तो हमने सोचा हम वैसे डायरेक्ट सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, हम परिक्रमा लगाकर फिर जाएंगे मंदिर में। तो सबसे पहले स्कूटी पार्किंग कर देते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये है सामने आप लोग देख रहे हैं, ये मेन सीढ़ी है राधा रानी की महल पर जाने के लिए। लेकिन मैं तो परिक्रमा देती हुई महल पर जाऊंगी राधा रानी के, तब दर्शन करूंगी। और ये सामने आप लोग देख रहे होंगे इधर मेन सीढ़ी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो आप लोगों को अगर डायरेक्ट दर्शन करने हैं, परिक्रमा नहीं लगाने, तो ये सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना 350, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट चढ़कर राधा रानी के दर्शन कर सकते हो। लेकिन मैं तो परिक्रमा लगाने आई थी, तो मैं सबसे पहले परिक्रमा लगाऊंगी, उसके बाद राधा रानी के महल पर जाऊँगी, वो भी परिक्रमा लगाते लगाते। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाऊंगी परिक्रमा लगाते समय कौन कौन से सरोवर पड़ते हैं, कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं। तो आज है धनतेरस, कल की बड़ी दिवाली है, परसों की छोटी दिवाली है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस, जहाँ भी रहना खुश रहना, राधा रानी हमेशा आप सभी को खुश रखें। परिक्रमा ले रहे हो बाबा? हाँ, आप तो पहले भी मिली ना बाजार में। कहाँ पर? बाजार में दुकानदार है, पूछ रही है। हाँ हाँ सही कह रहे हो बाबा। आप कहाँ पे थे? मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल।
तो देखिए अब मैं आ चुकी हूँ उस जगह पर जहाँ पर राधा रानी के पग चिन्ह हैं। यहाँ पर राधा रानी के चरण हैं और बहुत सारी भीड़ भी लग गई है क्योंकि सारे लोग उनके चरण छू छू कर आगे बढ़ रही थी। कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, डायरेक्ट यही बोलती है रुपया तो दे जा। जब हम परिक्रमा लगाते हैं ना तो ये रास्ते में बरसाना, आप सभी को पता है गांव है तो आप लोगों को गांव में अंदर जाकर परिक्रमा लगानी पड़ती है, कहीं खाली रास्ता मिलेगा कहीं गांव मिलेगा आप लोगों को। अब हम इधर से जा रहे हैं राधा सरोवर के लिए, इधर है राधा सरोवर और लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोगों को राधा रानी के महल तक की पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ रास्ते में पड़ती है, कौन कौन से सरोवर कौन कौन से मंदिर। ये देखो भैया परिक्रमा लगाते हुए आ रहे हैं। और इस कुंड का नाम राधा सरोवर क्यों पड़ा तो वो मैं आप लोगों को यहाँ के पंडित जी हैं उनके मौकात सुनवाऊंगी, वो बताएंगे, आप लोग सुनना। और मेरे हस्बैंड पहले से ही जाके बैठ गए थे, बोल रहे थे तुम भी आ जाओ थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो अंकल आ रहे थे, पता नहीं ये क्या कर रहे थे, अगर आप लोगों को बताया है तो कमेंट करके बताओ। तो लीला करते करते राधा रानी को यहाँ पे अचानक से प्यास लगी, तो यहाँ कोई कुंड कुआ तालाब पावली कुछ नहीं था, बड़ा गहरा बंधा गेवर तो भगवान ने बंसी से इस कुंड को प्राकृत किया राधा रानी के लिए। राधा रानी ने आचमन किया, स्नान किया और मेहंदी वाला हाथ धोया तो इसका नाम राधा सरोवर हो गया। तो इस राधा सरोवर का महत्व है, कहते हैं देव प्रताप रूपाय श्री राधा सत्ये नमः त्रैलोक्य परमोक्षाय रम्य तीर्थाय नमः। और हमारे श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे सखी रूप में सखी भेष में रहते हैं। गहवर वन और तो चलिए राधा सरोवर के पास ही है एक ये छोटा सा मंदिर है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ ये कौन सा मंदिर है और यहाँ पर भी काफी सारे लोग आते हैं। इस जगह का नाम है रास मंडल, कहा जाता है इस जगह पर ही आकर राधा कृष्ण रास रचाते थे। राधे राधे राधे। गुस्सा हो गए हैं, वो कह रहे हैं पैकेट दो पूरा, तुम एक एक करके खिला रहे हो। ओ बाबू पापा बंदर बहुत हैं। अरे बहुत बंदर हैं इधर बाबू पापा, बहुत बंदर हैं इधर तो। अरे यार मत बुलाओ, तुम्हें डरना लग रहा। ओ मोए पास में ले लो यार, मुझे डर लग रहा है। ये कितने सारे बंदर बैठे हैं इधर, ले ले बहुत सारे। कुछ तो नाराज है ना मैं से तुमसे। ये देखो आ गए, फोन तो नहीं ले जाते यहाँ से। कुछ कुछ नाराज है तुमसे, ले नहीं रहे हैं। जय देगी बेचारी। आपको भी सब बहुत मेरो करते हो इन भैया के, देखो हाथ दोनों खराब है। और ये क्या लिख रहे हैं, राम राम, वो कितना प्यारा लिखा है ना। हे भगवान वाह, कितना प्यारा लिख रहे हैं देख लो, हाथ वाले क्या लिख पाएंगे, उससे भी सुंदर राइटिंग है। परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज जी गोवर्धन जी के, यहाँ पे भी देखो गिरिराज जी का मंदिर है। ये रहे, ये बन गया घर हमारे हस्बैंड जी का। कहाँ से चढ़ना है, मतलब ये देख, ये सीढ़ी है। हाँ यहाँ से इस छत पे जाना है भाई, देख लो। वाओ, इस मंदिर पे जाना था जो 250 सीढ़ी थी है ना। ये अंकल होके आ रहे हैं उधर से ही, यही है बोरा, यही रास्ता है ना। बस राधा रानी कुछ देर और पहुंचने वाले हैं हम आपके महल पर, परिक्रमा लगाते लगाते आ रहे हैं। सीधे सीधे आते तो चढ़ जाते 350 सीढ़ी, लेकिन हम परिक्रमा लगाते लगाते आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ी देर लग रही है। राधे 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 राधे। जिस रास्ते से हम परिक्रमा लगाते हैं उस रास्ते से राधा रानी के महल तक आने के लिए गाड़ियां भी आती हैं।
आप लोग देख रहे होंगे मेरे वीडियो में पीछे काफ़ी सारी गाड़ियां भी खड़ी हैं और यहां पर लोग भी उतरते जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग राधा रानी के जो महल की सीढ़ी हैं उस सीढ़ी से नहीं चढ़ पाते या पैदल परिक्रमा नहीं दे पाते तो वो यहीं पर उतर जाते हैं, फिर यहाँ से सामने सीधा चले जाते हैं राधा रानी के महल के लिए। और यहाँ से देखिएगा इस महल के लिए जब हम जाते हैं राधा रानी के, तो यहाँ पर भी रास्ते में जैसे हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो रास्ते में मिलती है ना दुकानें, वैसे इधर की साइड में पीछे वाले रास्ते से जो परिक्रमा लगाते लगाते आते हैं, ये चुंदरी वगैरह माता रानी का प्रसाद वगैरह सब कुछ बिक रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब हम यहाँ से ले लेते हैं राधा रानी के लिए सिंगार। और भैया जो बड़ा वाला प्रसाद था जिसमें चुंदरी थी वो दे रहे थे 50 का, छोटा वाला था वो दे रहे थे 30 का, उसमें सिंगार ही सिंगार था, चुंदरी नहीं थी, इस वजह से मैंने ये वाला प्रसाद लिया है। आप लोगों ने बहुत इंतजार किया राधा रानी के दर्शन के लिए, अब वो घड़ी आ ही गई और मैं भी मंदिर में आ गई हूँ, तो चलिए हम आप लोगों को राधा रानी के दर्शन कराते हैं। और भीड़ देखकर तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरा श्रृंगार जो है वो राधा रानी तक पहुँच पाएगा। ये देखो राधा रानी, प्यार से बोलो जय श्री राधे, और कमेंट में भी आप लोग राधे कृष्णा जरूर लिख देना। और यहाँ पर कैमरा हल गया था थोड़ा, क्योंकि मैं रोने लगी थी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी राधा रानी को देखकर। राधा रानी के पास आई है हम मिलने के लिए, इतनी तेज तेज रो रही है भाई, कुछ मत पूछो। आ गई हूँ मैं आपसे कन्हैया जी की शिकायत करने, बहुत नटखट हो रही है, सुनते नहीं है मेरी एक भी। मैं आ चुकी हूँ राधा रानी के महल बरसाना, आप लोग देख रहे होंगे ये देखो। तो आई होप आप लोगों ने राधा रानी के तो दर्शन कर ही लिए होंगे, अब आप लोगों को हम राधा रानी के महल से श्री बरसाना धाम के दर्शन कराते हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर गांव है बरसाना, और राधा रानी का महल इतना ऊंचा है, यहाँ से छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, बहुत ऊंचा है राधा रानी का महल। और ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने बना ली थी, मैं तो इधर राधे राधे में मस्त थी, और रोने के भी मेरे हस्बैंड ने बना ली थी, मैं तो राधा रानी को देखते ही मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था, उन्होंने उठाया, मेरे रोने की भी उन्होंने ही वीडियो बना ली, और ये भी वही बना रहे थे। फिर मैंने उनको देखा वो इधर वीडियो बनाने, तो मैं भी इधर आ गई थी, मैंने कहा मुझे भी दर्शन कराओ, मुझको भी यहाँ से देखना है कैसा है बरसाना। बाम करंट ना आवे ये तार में करिश्मा। ये देखो लिखा है मेरी प्यारी लाडो, अगर आप लोगों ने दर्शन कर लिए तो राधा रानी का नाम जरूर लिख देना कमेंट में। देखो आप लोग इधर से जाते हो लेकिन मैं इधर से वापस आई हूँ और इधर जा रही हूँ जिधर से आप लोग आते हो। अगर सीढ़ियों से आओगे तो आप इस वाले रास्ते से आते हो, और अगर परिक्रमा लगाओगे तो जिस रास्ते से मैं आई थी उस रास्ते से आप लोग आओगे। तो अब मैं इसी रास्ते से वापस जा रही हूँ, ये खड़े हैं मेरे हस्बैंड जी, पहले मैंने सोचा उधर चले गए लेकिन ये इधर खड़े मिले थे। ये देखो हमने फ़ोटो कराए थे दो मेरे हस्बैंड ने, मैंने बताओ कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। और हम यहाँ पे पी रहे थे लस्सी, मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती बनवा ली थी, वैसे तो मैं नहीं पीती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला बरसाने आई हो तो लस्सी पीना तो बनता ही है, यहाँ की रबड़ी खाना, तो इस वजह से हम यहाँ लस्सी पी रहे थे। ओए बड़ा पटक्का चढ़ा रहे हैं ये लोग। दर्शन वगैरह कर लिए हैं दोस्तों और हस्बैंड आ रहे हैं लेके अपनी स्कूटी, और अब हम घर पर जा रहे हैं क्योंकि बहुत धूप हो गई है और गर्मी भी बहुत लग रही है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से घर पर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने घर पर, अभी लिफ्ट से जा रहे हैं, पहुंच रही हैं आ गए। ये मंगा लो, कह दियो एक कुप्पी दे जाए पानी की, मैं डर गई, मैंने सोचा बंदर तो नहीं है। आ गई हूँ अपने घर पे, ताला लगाए, चाबी भी इनके पास है, आ गई। तो चलो वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आ जरा वो पन्नी में समोसा ही करो।